हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। दोस्तों, में हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म जो फ्राइडे को रिलीज हो रही है, जिसका नाम है बैड न्यूज। उसकी एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, कितनी हो सकती है और डे वन कितना लेकर आएगी वो बताऊंगा। साथ साथ सबसे पहले आपको बता दूं, इसका स्क्रीन काउंट आ चुका है ऑफिशियल 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है, मतलब कि कुछ ज्यादा स्क्रीन्स नहीं है, एक लिमिटेड रिलीज दिलवा रहा है इसको धर्मा, और इतना ही मिलना है। क्योंकि आपको मैं रीजन बताता हूं, कल्कि चल रही है और ये एक ही लैंग्वेज की फिल्म है। कल्कि अभी भी ठीक ठाक स्क्रीन्स पकड़े हुए हैं, साथ साथ सरफिरा भी है, इंडियन 2 चलो क्रैश कर गई है और किल को भी स्क्रीन्स मिली हुई हैं। फिर भी मैं बोलता हूं, जिस हिसाब से फिल्म का बजट है, स्केल है, 2000 स्क्रीन्स भी बहुत है। अगर आप एक स्क्रीन से 4 शो निकालो तो भी 8000 शोज इसके हो जाएंगे और 8000 शो इनफ है। इनफ फिल्म अच्छी होगी तो नेक्स्ट डे से ही शो बढ़ जाएंगे। एक बात और बता दूं, इस फिल्म को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूं। क्यों हूं? इसके डायरेक्टर को लेकर। डायरेक्टर है आनंद तिवारी। अगर उनकी पुराना तुम काम देखोगे तो तुमने अगर देखा हुआ है तो तुम भी कहोगे हाँ भाई, फिल्म में दम हो सकता है। नंबर वन के ऊपर एक फिल्म थी विकी कौशल के साथ ही उनकी, सीधा OTT पर आई थी, लव पर स्क्वायर फीट। हो सकता है बहुतों ने सुना भी ना हो, बहुतों ने देखी भी ना हो। देखी हो तो बताना आपको कैसी लगी थी। एकदम जबरदस्त फिल्म है, देखना मजा आ जाएगा। और Amazon Prime के ऊपर भाई एक सीरीज आई थी बैंडिश बंदित, जो म्यूजिकल सीरीज थी, वो काम देखना क्या जबरदस्त था। तो इस बंदे के पास टैलेंट है और सबसे अच्छी बात स्टार कास्ट क्लास है। विक्की कौशल, एमी विर्क और तृप्ति दिमरी जो कि नेशनल क्रश बन चुकी है, तो बस बना हुआ है। और इसका जो म्यूजिक है वो भाई साहब चढ़ चुका है चार्ट्स पे। तौबा तौबा ने तबाही मचा दी है। वो रोमांटिक सॉन्ग आया था वो भाई साहब सबके दिलों की धड़कन बना हुआ है। और बता रहा हूं, फिल्म तो गर्म है और फिल्म पब्लिक वेट भी कर रही है। एडवांस बुकिंग में भी इसका असर दिख रहा है आपको। एडवांस बुकिंग अगर बताऊं तो मैं बताऊंगा आपको भाई, टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं 20,229 एंड भाई जो शोज है इसके पास 3005, अभी 3000 है, 8 से 9000 शोज मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको। और भाई सबसे बड़ी बात है कि नेशनल चेन्स में भी इसने टिकट सोल्ड आउट करना स्टार्ट कर दिया है। 12000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। एक आइडिया बताया जा रहा है कि भाई अपने रिलीज से पहले ये 50000 टिकट सोल्ड आउट कर देगा। किसके ऊपर? नेशनल चेन्स के ऊपर। 3.5 करोड़ की एडवांस उठा लेगा बहुत प्यार से। अगर 3.5 की एडवांस उठाता है तो डे वन इसका डबल डिजिट जाने वाला है, जो कि है 10 करोड़ रुपए। और अगर ये 10 लेकर आता है, फिल्म पसंद आती है, तो नेक्स्ट डे से ही फिल्म पिकअप करेगी। और अभी जो एडवांस इसकी हो चुकी है एज ऑफ नाउ, वो हो चुकी है 60 लाख, 60 लाख की एडवांस ये कर चुका है, जो कि बढ़िया है। रात तक 1 करोड़ टच करेगा और अभी भाई कल का दिन पूरा पड़ा हुआ है, निकल लेगा 3.5 करोड़ की। तो एडवांस बुकिंग बहुत प्यार से करने वाला है। बाकी देखते हैं जो भी होगा। चैनल पर रिव्यू तो आपको मिलना ही मिलना है, वो भी ऑनेस्ट और एकदम जेन्युइन। आपकी क्या राय है वो जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।